आज के व्लॉग के माध्यम से घुमाएंगे आज आपको नेपाल ट्रिप, जो भारत का पड़ोसी देश है। दोस्तों यह प्लेस नेपाल की खूबसूरत जगहों में से एक है। तो दोस्तों इस पार्ट को हमने दो भागों में कंटिन्यू रखा है, तो सेकंड पार्ट पे आप कंटिन्यू बने रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों नगरा वॉटरफॉल से। देखिए कितना कम पानी आ रहा है दोस्तों। अभी हम लोग खड़े हैं वॉटरफॉल के किनारे। दोस्तों पानी कितना कम हो गया है यहाँ पर। पिछली वीडियो जब हम लोग यहाँ पर बनाने के लिए आए थे तो बाउंड्री के ऊपर से पानी जा रहा था और यहाँ पर लोकल के लोग नहा रहे हैं और फुल मस्ती कर रहे हैं। दोस्तों आगे के ब्लॉग में आप कंटिन्यू रहिए क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं विदेश, बोले तो फॉरेन कंट्री। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे नेपाल का बहुत ही फेमस व्यू पॉइंट। यहाँ पर फोटो शूट के साथ साथ हम लोगों ने फुल मस्ती कर लिए और जा रहे हैं बाइक की तरफ। लेकिन हमारे तीनों भाई को काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं ऊपर चढ़ने में। देखिए किस तरह ऊपर चढ़ रहे हैं ये। आज की ट्रिप पे निकले हैं हम दो बाइक लेकर। एक बाइक पे हमारे तीनों दोस्त जो परचून का कारोबार संभालते हैं और उसके पीछे बैठे हैं उनके मित्रगण जो हमें आगे का रास्ता गाइड करेंगे। और दूसरी बाइक पे हैं मैं और मेरा दोस्त नरेंद्र। भाइयों अभी हम लोग दोधारा चांदनी पुल पहुंच गए हैं और बाइक यहां पे लगा दी है। ये देखो नरेश भाई भी बाइक खड़ी कर रहे हैं और यहां पे अभी हमें कुछ लोकल के लोग मिले थे पीछे, वो बोल रहे थे पुल के उस साइड जाने के लिए हमें उस साइड से ही आना पड़ता बनबसा से, और उस साइड से आते तो हमें भंसार कटाना पड़ता। और अभी हम लोग आए हैं चोर रास्ते जंगल से। तो दोस्तों अभी बाइक को खड़ी कर दी है और अभी मैं आपको बताऊंगा ब्रिज के बारे में और दिखाऊंगा पूरा। बहुत ही प्यारा ब्रिज है दोस्तों, नेपाल का फेमस ब्रिज है। तो आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यहां से आपको दिखाता हूं पुल का व्यू। देखिए दोस्तों 150 किलोमीटर लंबा ब्रिज है दोस्तों, और ये थंब पे बनाया गया है। पूरा तारों की रस्सियों पे फैला हुआ ब्रिज है दोस्तों। इसने सभी पुल के रिकॉर्ड तोड़ दिए यहाँ पे। इसके बराबर लंबा कोई पुल नहीं है यहाँ पर। तो इसे देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। और इस ब्रिज का नाम है दोधारा चांदनी ब्रिज, क्योंकि ये इस साइड दोधारा है और दूसरी साइड चांदनी है। ये दोधारा को चांदनी से आपस में कनेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम फेमस है दोधारा चांदनी ब्रिज के नाम से। इस नदी पे यह ब्रिज बनाया हुआ है। ये नदी काली नदी के नाम पे फेमस है और ये नदी आती है टनकपुर से। तो इसे लोकल के लोग महाकाली ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, और इसका नाम दोधारा चांदनी ब्रिज ना लेकर के महाकाली ब्रिज बोलते हैं। बहुत से लोग तो शॉर्टकट में झूला पुल भी बोलते हैं, जिस कारण इसका नाम झूला पुल के नाम से विख्यात है। झूला पुल बोलने का मेन कारण ये भी है क्योंकि ये एक झूले की आकृति देता है और बिल्कुल झूले के शेप में बना हुआ है। और यहाँ पे पानी जब आता है स्पीड से तो दोस्तों ये झूला बिल्कुल हिलता है झूले की तरह। तो काफ़ी लोग यहाँ पर जो नए नए आते हैं वो डरते भी हैं यहाँ से बाइक निकालने में। तो अभी मैं आपको ऊपर का व्यू ऊपर जा कर के दिखाऊँगा झूले में, और अभी आप इंजॉय कीजिए यहाँ से झूले का नज़ारा।
पुल के स्टार्टिंग में ही आपको दोबारा चांदी नगर पालिका ये कुछ नेपाली भाषा में लिखा हुआ मिल जाएगा दोस्तों बोर्ड में। अभी हमारे साथ के लोग थक गए हैं तो बैठ गए हैं सामने होटल पे, तो अभी चलते हैं होटल में और देखते हैं क्या मिलता है वहां पर खाने के लिए। क्या ऑर्डर किया? बड़े थक गए हो यार। यहाँ पर भाई लोगों ने ऑर्डर की थी कोल्ड ड्रिंक, भाई लोग तो पी चुके हैं अपनी कोल्ड ड्रिंक, अब है बारी मेरी। और दोस्तों अभी हम लोग पुल पे एंटर हो गए हैं और जस्ट झूला पुल के किनारे एक पार्क बना रखा है बैठने के लिए। पार्क में कुछ है नहीं देखने के लिए, बस बैठने के लिए बेंचे वगैरह लगा रखी हैं साइड साइड से। भाइयों अभी हम लोग झूले पुल के ऊपर आ गए हैं और आप देखिए यहाँ पे गाड़ी किस तरह आती है और पुल किस तरह अटैच करता है, क्योंकि ये लोहे की पत्तियों पे बना हुआ पुल है। और दोस्तों अभी हम लोग पुल पे एंटर हो गए हैं और बड़ा ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, और तारों को पकड़ने में बिल्कुल फीलिंग आ रही है मजबूती वाली। देखिए दोस्तों खंभे पे बनाया हुआ पुल है ये, किस तरह से ये कुंडे पे पुल को लटका रखा है और रस्सों की सहायता से पूरा पुल बना दिया है नदी पे। अभी हम लोग एंटर हुए ही हैं कि पुल हिलता हुआ हमें प्रतीत हो रहा है। दोस्तों अभी हम लोग पुल में आगे बढ़ रहे हैं और हमें बाइक पीछे ही छोड़नी पड़ी जो मैंने आपको बता दिया है, तो अभी देखते हैं हमें 1.5 किलोमीटर पुल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि अभी हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर ही पहुंचे हैं और बाकी लोग जा चुके हैं आगे। दोस्तों इस पुल की चौड़ाई 1.5 मीटर है, इस पुल पे दोनों साइड से जब गाड़ी आती है तो बराबर में आराम से क्रॉस हो जाती है। दोस्तों इसकी आप चौड़ाई देखकर अंदाजा लगा सकते हो। दोस्तों पुल को कुंडों की सहायता से खड़ा किया हुआ है, देखिए ऊपर रस्सों पे लटकाया गया है और ये कुंडे काफी अच्छा व्यू दे रहे हैं इस पुल को, जो देखने में काफी मनमोहक और बड़ा ही प्यारा लग रहा है। दोस्तों जितनी तारीफ की जाए कम है इस ब्रिज की, और अभी हम लोग ब्रिज पे चल रहे हैं। भाइयों अभी मैं पुल के बीच में पहुंच गया हूं और यहाँ पे कंपन पैदा हो रहा है क्योंकि कुछ गाड़ियाँ भी चल रही हैं, कुछ हवा भी चल रही है और कंपन पैदा हो रहा है, तो ये झूला पुल बिल्कुल झूले का आनंद दे रहा है। यहाँ पर मैं तो यहाँ पे खड़ा होकर यहाँ के मनोरम दृश्य का आनंद ले रहा हूँ दोस्तों। और देखिए गाड़ियाँ कुछ इस तरह आ रही हैं आगे से। हमारे एक भाई यहाँ पर थक चुके हैं जिनको हम लोग अपना गाइड बनाकर लाए थे, तो यहाँ पर ये खंभे की छाँव में बैठे हुए हैं और हवा का आनंद ले रहे हैं, और बाकी भाई लोग अपना सूट पे लगे हुए हैं। ये देखो नरेश हीरो भाई साहब, बिल्कुल क्या ही कहा जाए इनका अंदाज। और यहाँ पर लटक बीम का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर रस्सों को बांधने के लिए, और अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, देखिए कितनी पतली सी बीम है यहाँ पर, और पीछे सूखी हुई नदी है। यहाँ से गिरूंगा तो सिर्फ सिर ही फूटेगा मेरा नदी पे, और ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं आएगी क्योंकि अभी मैं हूँ नेपाल पे। भाइयों पुल के लास्ट पॉइंट में आते आते हम लोगों को 1.25 घंटे का टाइम लग गया है, क्योंकि हम लोग आ रहे थे काफ़ी मज़े से और पूरा आनंद उठाते हुए आ रहे थे। और ये रहा पुल का लास्ट पॉइंट, मज़ा आया झूला पुल घूम करके। ये देखो फुल टोपे में चल रहे हैं यहाँ पर हमारे दोस्त लोग, चश्मा उतार के तो दिखाओ हमारी ऑडियंस को। ओह माई गॉड, सभी मजे लेते हुए चल रहे हैं। तो भाइयों अभी चलते हैं नीचे और देखते हैं यहाँ पर कैसी मार्केट है, क्या मिलता है हमें देखने के लिए नीचे को। और यहाँ पर हमारे दोस्त लोगों की फेवरेट शॉप मिल गई है, देखिए त्रिपुरा सुंदरी रेस्टोरेंट और वाइन शॉप भी है।
बोतलों को देखकर हमारे दोस्तों के मुंह पे पानी छूट गया है बिल्कुल। भाई लार दिखाओ मुंह में की, ये देखो बिल्कुल आनंद आ गया है बोतलों को देख के। लेने बताओ वाइन पीने के लिए, गर्मी तो हो रही है बहुत तेज, तो अभी हम लोग काम चलाएंगे आइसक्रीम से। भाई नेपाली रुपए दिखाने के बाद 50 दस दस वाली ले ले, रुको रुको रुको, ये देखो भाई ये 50 का नोट नेपाली, सही बात है हमें चेंज नहीं, हमारे पास हमारे इंडिया में नहीं चलेगा ना 50 का। और यहाँ पर अतिथि रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा हुआ है जो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है, और पुल का व्यू पॉइंट कुछ इस प्रकार है यहाँ से देखने पे दोस्तों। दोस्तों दोबारा से हम लोग पुल पे आ गए हैं वापस जाने के लिए, और गर्मी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। कुछ कहना है गर्मी के बारे में? हमारी गर्मी के हाल ऐसे। और बाकी हमारे दो दोस्त आ रहे हैं पीछे, ये हमारे अमित भाई जिनका यूट्यूब चैनल है यहाँ अमित का जलवा, लाइक करो सब्सक्राइब करो। चलो चलो भाई फिर गर्मी का आनंद लेते हुए, बहुत गर्मी है भैया। वापसी में दोस्तों हम लोग उसी रेस्टोरेंट पे आ गए हैं जिस रेस्टोरेंट में हम लोग स्टार्टिंग पे रुके थे, और काफ़ी गर्मी हो रही थी तो अभी हम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं पंखे के नीचे, और भाई लोगों ने अभी ऑर्डर कर दिया है चाउमीन। तो दोस्तों आज का हमारा पैदल सफर रहा 3 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर आना और 1.5 किलोमीटर जाना, काफ़ी थकाई लग चुकी है भाई लोगों को। तो दोस्तों अभी हमारा चाउमीन का ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, और चाउमीन आ गई है हमारे सामने, और हमारे दोस्त लोग अब डटेंगे, देखना बिल्कुल राक्षस की तरह चाउमीन पे। और ये छूट गई हंसी हमारे भाई की। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे कंप्लीट, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने भी इंजॉय किया होगा हमारे साथ झूला पुल। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें फ्रेंड के साथ में, और लाइक करें, और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।